sees the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible, that God calls you to obtain His kingdom and glory. प्रभु की उपस्थिति में खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति। दस हजारों में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमा मैं मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर। मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। एक व्यक्ति अपने स्वयं का शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया, अब वह खुद ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करें बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक प्रकट किया तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बात में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर के संतान का वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी नहीं। नए यरूशलेम नगर में प्राप्त होने वाला खूबसूरत भवन भी कुछ भी नहीं, उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही हम पिछले 17 एपिसोड्स के द्वारा अध्ययन कर रहे थे। रोमियों की पत्री के पहले के 3 अध्यायों के द्वारा मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। अन्य जाति और यहूदी एक जैसे परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बन गया है, परमेश्वर के क्रोध में और अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर को वह खो दिया है, परमेश्वर की जीवन को है, परमेश्वर की महिमा को है। अब पापी बना हुआ मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाकर, मृत्यु के ऊपर विजय पाकर परमेश्वर की महिमा की ओर वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है। किंतु वचन कहता है कि वाचा के नियमों के कोई भी प्रवृत्ति के द्वारा, किसी भी कर्म मार्ग के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में धार्मिकता पा करके धर्मी नहीं बनता है। रोमियों की पत्री के 3 अध्याय के 24 वाक्य कहता है, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति को सेंतमेंत धर्मी बनाता है, यानी कि कभी भी बिना पाप किए हुए व्यक्ति के समान परमेश्वर एक व्यक्ति को मानता है करके वहाँ पर बताया गया। वह मनुष्यों के प्रवृत्तियों के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा है। इस परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में हमने साफ सीखा है। इस परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट हुआ है, इस मनुष्य को धर्मी बनाने वाले परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट हुआ है, यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा है। उस परमेश्वर के उद्धार में सबसे प्रमुख एक सिखलाई है, यीशु मसीह सभी मानव जातियों के बदले में आया हुआ है। यीशु मसीह सभी मानव जातियों के बदले वाला बन गया और पृथ्वी में आ गया। बदले वाले का अर्थ क्या है? यीशु मसीह मेरे और आपके स्थान में आया था, मेरे और आपके बदले में इस पृथ्वी में आया था। उस बदले वाला यीशु मसीह के साथ जो भी कुछ हुआ है हमसे भी किया हुआ जैसा परमेश्वर मानता है। यही नहीं, उस बदले वाला यीशु मसीह के साथ जो भी संभव हुआ था हमसे भी हुआ करके परमेश्वर गिनता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, उसके स्वर्ग की ओर उठाए जाने तक क्या कुछ भी संपन्न हुआ है, वह सब हमारे खाते में गिना जाता है। यीशु मसीह, उसके जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, महिमामय होना, इसके द्वारा क्या कुछ भी संपन्न हुआ है वह सब हमारे खाते में ही गिना जाता है। यही है सच्चा सुसमाचार। मैंने कुछ उदाहरण आपको साफ बताया है। यीशु मसीह हमारे बदले में परमेश्वर के वाचा के सभी नियमों का पालन करके, उसे पूरा करके परमेश्वर की धार्मिकता को तृप्त करने के द्वारा हम सब लोग वाचा के नियमों को पूरा किया हुआ जैसा, उसका पालन किया हुआ जैसा परमेश्वर मानता है। इसलिए हम अब यीशु मसीह के शरीर के द्वारा वाचा के नियमों के लिए मरा हुआ जैसा मानता है। सभी के लिए एक व्यक्ति मरने के कारण सभी लोग मरा हुआ जैसा परमेश्वर मानता है। अब यीशु मसीह वाचा के नियमों को मानने के कारण उस आज्ञाकारिता के द्वारा हम सब लोग परमेश्वर के समक्ष में धर्मी बना हुआ है। दूसरा एक उदाहरण बताया था,
यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर शैतान के सभी हथियारों को डलवा करके उसके अधिकारों को रद्द कर उन्हें संपूर्ण रूप से पराजित करके उनके ऊपर विजय पा करके उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया है। यह मुझको और आपके बदले में यीशु मसीह ने पूरा किया है। उस शैतान के ऊपर के विजय को आज हमारे खाते में परमेश्वर गिना जाता है। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को शैतान और उसके राज्य के ऊपर संपूर्ण अधिकार है। शैतान आपको बांध नहीं सकता, आपके विरुद्ध में कोई भी कार्य करने के लिए उसको कोई अधिकार नहीं है करके आप जानना है। इस प्रकार यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, मृत्यु के द्वारा जो भी संपन्न किया जा चुका है वो सब हमारे खाते में परमेश्वर गिना जाता है। सबसे पहले पिता परमेश्वर ने यीशु क्रिस्तु के ऊपर हमारे सबके पापों को उठा दिया। दूसरी बात, यीशु मसीह अपने शरीर के ऊपर हमारे पापों को उठाते हुए हमारे बदले में क्रूस के ऊपर चढ़ गया। तीसरी बात है कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया, यानी पाप के स्थान में देखा। चौथी बात, हमारे पापों की दंड परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर देकर उसके शरीर को दंडित किया। इस प्रकार मनुष्य वर्ग के पापों को, पाप को नहीं जाना हुआ अपने पुत्र के ऊपर ढाक अपने पुत्र को पाप बनाया। पाप का दंड अपने पुत्र के ऊपर करने के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। वह धर्मी न्याय करने वाला परमेश्वर है करके इस जगत को बता दिया। पाप मनुष्य के ऊपर देखने से, बिना पाप किया हुआ अपने पुत्र के ऊपर देखने से भी परमेश्वर एक जैसा न्याय करता है। इस प्रकार न्याय दंड करने के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। इतनी सारी बातें हम पिछले एपिसोडों में सीखा था। यीशु मसीह हमारे बदले में क्रूस पर चढ़ने के कारण हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया करके परमेश्वर मानता है। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना सभी मानव जातियों के बदले में क्रूस पर चढ़ गया था करके आपको जानना है। रोमियो की पत्री के 6 अध्याय का 6वीं वाक्य इस प्रकार पढ़ता है, हम अब पाप के लिए गुलाम ना बनकर पापमय शरीर दूर होने के लिए हमारे पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया करके हम जानता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पुराना मनुष्यत्व क्रूशित हुआ था बपतिस्मा लेने के समय या उद्धार पाने के समय नहीं, बल्कि यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गया, हमें भी उसके साथ परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा दिया था। यही सुसमाचार है, यही है यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का 3rd दिन जी उठना हमारे बदले में होने के कारण हम भी उसके साथ में मर गया, उसके साथ में गाड़ा गया, उसके साथ में उठाया गया, के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है। ऐसा वचन हमें सिखाता है, यानी कि यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ था हमारे साथ भी हुआ है। मैं कुछ वाक्य आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एफेसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में से कुछ वाक्यों को पढ़ता हूँ। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के 1 वाक्य कहता है, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए आप सबको वह जिलाया था। हम अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ था। क्या मृत्यु का अर्थ? परमेश्वर से अलगताई है। परमेश्वर के जीवन को अनुभव नहीं करने की अवस्था को ही मृत्यु है करके हमने सीखा है। हम सभी लोग अपने पापों में मरा हुआ था, किंतु हमें परमेश्वर अपने जीवन को देकर उठा लिया गया था। अब उसके 5वें वाक्य में इस प्रकार कहता है, अपराधों के कारण मरा हुआ हमें, हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया गया। देखिए, हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है। हमने परमेश्वर का जीवन को पाया था और दोबारा जन्म लिया था। हो सकता कि हम इसी दिनों में था,
हमें उसका अनुभव इन्हीं दिनों में हो सकता है। इस अनंत जीवन के सुसमाचार को सुनने से यीशु मसीह को पाकर, परमेश्वर का जीवन को पाकर दोबारा जन्म लेने के अनुभव में आया था। किंतु परमेश्वर के हृदय में आपका दोबारा जन्म लिया था 2000 साल पहले था, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया था, परमेश्वर आपको भी उसके साथ जिलाया गया था। जो कुछ यीशु के साथ हुआ था हमारे साथ भी हुआ है। इस सुसमाचार को सुनकर आप जब विश्वास करते हैं तो ये आपको अनुभव में हो जाता है। किंतु ये सारे कार्यों को यीशु मसीह में, हमारे बदले वाले में, परमेश्वर हमारे लिए पूर्ति किया है। नीचे को पढ़ता है उसके सातवें वाक्य में, यीशु मसीह में उसके साथ में हमें जिलाया गया था। ध्यान दीजिए, हमें यीशु मसीह के साथ में जिलाया गया था। यीशु मसीह मरकर गाड़े जाने के बाद जी उठने पर परमेश्वर हमें भी उसके साथ में जिलाया गया था। उस पद को देखें, उसके साथ में, यीशु मसीह के साथ में हमें भी जिलाया गया था। मैंने बताया था यीशु मसीह हमारे बदले वाला है। उस यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ था हमारे साथ हुआ करके परमेश्वर मानता है। यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान और स्वर्ग की ओर उठाए जाना, ये सारे बातें हमारे खाते में परमेश्वर गिनता है। हमें इसको सच्चाई से जानना है। उसके साथ में उठाए जाने के बाद स्वर्ग में उसके साथ में बिठा रखा है परमेश्वर। हमें अब स्वर्ग में बिठा रखा है, यानी कि यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हमारा गाड़ा जाना और पुनरुत्थान हुआ, अब परमेश्वर हमें स्वर्ग में पुत्र के साथ हमें बिठा रखा है। स्वर्ग में हमारे स्थान को परमेश्वर स्थापित किया है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धार को परमेश्वर ने संपन्न किया है। कुछ वाक्यों को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय में 12वां वाक्य, बपतिस्मा के द्वारा आप उनके साथ में गाड़ा गया था। देखिए, उसके साथ में गाड़ा गया था, उसे मरे हुए के बीच में से जिलाए जाने वाला, परमेश्वर की असीम शक्ति में विश्वास के द्वारा उसके साथ में आप लोग जिलाया गया है। आप लोग उनके साथ में उठा लिया गया था, उसके साथ में गाड़ा गया था, उसके साथ में जिलाया गया था। बपतिस्मा के साथ नहीं, हमारे मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, हमारे स्वर्ग की ओर उठाए जाना पूरा हुआ। यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा गया, मर गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, तब हमारे क्रूस पर चढ़ाया जाना, मौत, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान भी, स्वर्ग की ओर उठाए जाना भी परमेश्वर मानता है। यीशु मसीह के साथ हुआ था, यीशु मसीह के साथ हुआ था, हमारे साथ भी हुआ करके परमेश्वर मानता है। किंतु बपतिस्मा के साथ हम उनके साथ में गाड़ा गया करके कहने का तात्पर्य क्या है? रोमियों की पत्री के 6 अध्याय में 3 वाक्य के 7 में बपतिस्मा के बारे में साफ कहता है, यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाने के लिए बपतिस्मा लिया हुआ हम सब लोग उसके मृत्यु के साथ में शामिल होने के लिए ही हमने बपतिस्मा लिया हुआ करके आप जानता है। बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह के साथ शामिल होने के लिए है। क्या है यीशु मसीह के साथ शामिल होने का अर्थ? पिता परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के साथ में जो कुछ भी संपन्न किया था, उन भली बातों के साथ शामिल होने के लिए ही बपतिस्मा। इस प्रकार यीशु मसीह के साथ शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया हुआ हम सब, उसके मृत्यु के साथ शामिल होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया। ऐसा आप नहीं जानते? बपतिस्मा का अर्थ है यीशु मसीह के मृत्यु के साथ में शामिल होने के लिए है, नहीं मरता है, उस मृत्यु के साथ शामिल होने के लिए है। यीशु के साथ मैं मर चुका है,
वह 2000 साल पहले पिता परमेश्वर के द्वारा संपन्न किया हुआ कार्य है। उसको जब जाना, उस पर विश्वास होने पर मेरे अंदर के विश्वास को बाहर घोषणा करने के लिए मैं बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ शामिल होकर उसके मृत्यु के साथ शामिल हो जाता है। नीचे इस प्रकार पढ़ता है, इस प्रकार हम उसके मृत्यु के साथ शामिल होने वाले बपतिस्मा के साथ, देखिए उसके मृत्यु के साथ शामिल होने के लिए ही हम बपतिस्मा लेता है। उस बपतिस्मे के साथ हम उसके साथ गाड़ा गया था। बपतिस्मा में हमारे मृत्यु और गाड़ा जाना नहीं होता है, वह 2000 साल पहले यीशु मसीह में संपन्न हो चुका है। इस बपतिस्मा के द्वारा हम उस मृत्यु के साथ शामिल हुआ, उसके साथ में गाड़ा गया है। यीशु मसीह मरने के बाद पिता परमेश्वर की महिमा में जीवित उठने के जैसा हम भी जीवन के नएपन में चलने के लिए ही उसके मृत्यु के सदृश में हम एक जैसा बनने के साथ। इस प्रकार बपतिस्मा का मतलब है यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के सदृश हैं। उस मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के सदृश बपतिस्मा के साथ में हम यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के साथ शामिल होता है। इस प्रकार उसके मृत्यु के सदृश में हम एक जैसा बना है तो उसके पुनरुत्थान के सदृश में भी एक जैसा बन जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से वचन कहता है, हम यीशु मसीह के साथ मर गया और गाड़ा गया, जिलाया गया है। ये विश्वास होने के बाद हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाना और जी उठना के शामिल हो जाता है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में एक वाक्य और पढ़कर सुनाता हूँ। इसलिए आप यदि यीशु मसीह के साथ जी उठा है तो यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ ऊंचाई की बातों को ढूंढें। हम यीशु मसीह के साथ में उठा लिया गया है, अब परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा रखा है। यीशु मसीह हमारे बदले वाला है। हमारे पापों को पिता परमेश्वर पुत्र को बढ़ाकर, पुत्र हमारे पापों को हमारे बदले में अपने शरीर को बढ़ाकर क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे बदले में पाप बनाया, हमारे पाप का दंड उसको देकर बदले वाले को बर्बाद किया। वह मर गया, उसे गाड़ा गया था, वह उठाया गया था, स्वर्गीय स्थानों में महिमा के साथ बैठा हुआ है। इतनी सारी बातें हम सब के लिए हैं, इतनी सारी बातें हमारे साथ हुआ जैसा परमेश्वर मानता है। आपका पाप दूर हुआ, आपका दंड आपसे दूर हुआ, आपका मृत्यु आपसे दूर हुआ, आपका मृत्यु हो चुका है, आपका गाड़ा जाना पूरा हुआ, आपका उठाया जाना हो गया, आप परमेश्वर के हृदय में, आप स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर पुत्र के साथ में बिठा रखा है। आपका उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह में संपन्न किया जा चुका है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथिन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी
और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निवास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नए यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।